हेलो सुना है आप लोगों ने बड़ा सुंदर सर चक्र सुना बेटे आदरणीय दादाजी की ओर से बहुत सारी बातें करती हैं। हम पूछे जा रहे हैं तुम हमारी उम्र में आओगी तो पूछी नहीं जाओगी। पीछे वाले जो बिल्कुल करिया जैसे दिखते हैं कहाँ गए वो? उनको कुछ ना कहो, इच्छाधारी नाक है। दादा कह रहे थे कि इस मेले में चार पांच सपेरे होंगे जिनके पास करिया होगा। करिया पीछे भाई ध्यान से देखा ही नहीं, खुद ही करिया लेके चलते हो। बाहुबली के इसी ने तलवार मारी थी। एक बात मैं हिंदी में समझा दू, आप झीका बजा रहे हैं झीका बजाइए, ये 32 का पान खाइए, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं आपको। मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो भी आए आप बक दें। और क्या, दादा को पूर्णता अधिकार है क्योंकि मेरी जवाबी दादा से है। बिल्कुल, तुम झीका बजा रहे हो झीका ही बजाओ, मंदी में आड़त के काम करो बस। सकल नहीं अच्छी तो बात तो अच्छी करो, कहाँ गए करिया कहाँ गए? फालतू की बातें हो गई है, ढकेली जाओगी। अरे भगवान ना करे, भोलेनाथ ना करे, धोखे से अगर हमारा एक हाथ ही तुम्हारे पड़ गया तो उठ नहीं पाओगे। फालतू की बात कर रहे हो, कहाँ गया ढकेलू? दादा कहने लगे ये है सभ्यता, ये हमको खम्भे में बंधवा देंगी। अरे आपको खुश होना चाहिए कि हम आपको यहाँ के खम्भे में बंधवा देंगे। उसे कब खम्भे में जब तक बंधे रहोगे तब तक भवरेश्वर नाथ के दर्शन तो करोगे। ये बात, अब तुम इस खम्भे की जगह उस खम्भे के चक्कर में थे। कम से कम जब तक यहाँ रहो तब तक ब्रह्मचारी तो रहो। अब हम क्या कहे, बस दादा हो इसीलिए बचे हो, बाकी कुछ कहेंगे नहीं। और दादा अंदर कंकाल जी से भी निवेदन कर रही हूँ, अपने लिए मादा कंकाल ढूंढो चाहे ना ढूंढो, इनके लिए जरूर ढूंढ लो। कंकाल करिएगा शायद उस कंकाल से इन्हीं का भला हो जाए। इनकी लंबाई को देखते हुए क्योंकि कहा गया है कि चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है। अरे चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, कहा गए? टाटा नमक यूज किया करो क्योंकि तुम में आयोडीन की कमी है। बातें बोलने से बात जवाबी में नहीं बदल जाएगी। आपने जो भी गाया है दादाजी, मैं फिर कह रही हूँ कि एक बार घर में जाकर के पढ़िएगा। बाकी मनोरंजन के तौर पे मैंने ऐसे ही कह दिया कि आपको खम्भे में बंधवा दूंगी। आप मेरे दादा हैं, आपको खम्भे में क्यों बंधवाऊंगी, अपनी गाड़ी में साथ में बिठा के ले जाऊंगी। परेशान ना होइए, ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। बाकी जो भी आपने जवाब दिया है, एक क्रम मेरे टुकड़े में चल रहा था जिसपे आपने गौर नहीं किया। अच्छा, इच्छाधारी भाग्य कुछ ना कही। एक एक टुकड़ा मैंने दिया था, एक क्रम है के शिव के सर
अरे गंगा की धार है, सर से भोलेनाथ के सर से गंगा की धार है, फिर शिव के कर्म से बहे यमुना की धार है, सर से हाथ और फिर पैर के अंगूठे से, सर से लेके पांव तक, ये बात पैर के अंगूठे से माँ सरस्वती की, पैर के अंगूठे से माँ सरस्वती की, और फिर पांव से लेके मस्तक तक, अरे मस्तक से अमृत की, मस्तक से अमृत की अरे धारा बहाए, तब मैंने कहा बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कानपुर जाकर के सोचना, और भगवान ना करे नौबत बार बार कह रहे कि अपनी सास का पता दे दो, सास के पास जाने में तुम्हारी सास भूल जाएगी। अभी तुम बहुत हल्के हो इनकी सास के लिए, पर्दे पीछे न माफी मांगो आगे मांगो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दादाजी बस आप ऐसे ही बने रहो सास के चक्कर में, मगर ना पड़ो। अरे एक सास खाते बहुत हल्के हैं, सास मेरी आपको गोद में ऐसे उठा लेगी और छोड़ आएगी थोड़ी देर। बाकी आपने मेरे गीत का जो भी जवाब दिया है टुकड़े में, तो कुछ भी कहना नहीं है कि काश मेरा भाई मेरे साथ होता, मुझसे अरे मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, अनिल दीक्षित जी क्यों नहीं से आप आए हैं, आपके माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, भैया को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और ये जय वीर बाबा भोजनालय एवं ढाबा, आपके माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, भैया को भी धन्यवाद है। सुनिए, काश मेरा भाई मेरे साथ होता, मतलब भैया बढ़िया प्रयास है, जो अच्छा है वो अच्छा है। अरे गुरुदेव बहुत अच्छा लिखते हैं। काश मेरा भाई मेरे साथ होता, तो आप कह रहे हैं काश सर पे तेरा हाथ होता तो काश तेरा भाई तेरे साथ होता। आजा भाई ओमनी आइए, टुकड़ा बहुत अच्छा आया है आपके माध्यम से। गाया है बंबई वालों ने, क्या गाया बंबई वालों ने, के लाख गहरा हो सागर तो क्या, कोई भी पहरा नहीं।
तो आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले अरे प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ बाजे में बजाए मितवा तेरे बिना लागे रे जी रे जी। वाह दादाजी, ये तो तर्ज हो गई, बढ़िया टुकड़ा आपके माध्यम से आया है, आपने बहुत अच्छा टुकड़ा दिया है। सुनिएगा, मैं प्रयास कर रही हूँ। जिनकी रचनाएं फूली फली, प्रयास देखिएगा कहना क्या। अरे जिनकी रचनाएं फूली फली, दादाजी रामाज्ञा व प्रश्नावली, कुछ रचनाएं आपने जोड़ी है, कुछ प्रयास कर रही हूँ। नीचे भागियो भैया। जिनकी रचनाएं फूली फली, रामा क्या व प्रश्नावली, जानकी मंगल विनय पत्रिका, जानकी मंगल विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक वो रचनावली, तो कहना क्या वो रचनावली। पैरवे दादाजी, पैरवे रामायण भली, मतलब भैया अरे पैरवे रामायण भली, जिनकी रचनाएं फूली फली। ओ पैरवे रामायण भली। जिनकी रचनाएं फूली फली।
ये आपके बहुत मजबूत टुकड़े का मेरी ओर से प्रयास हो गया भाई जी। एक एक निवेदन मैं भी कमेटी से कर रही हूँ। कमेटी से अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप सभी लोग, तो आदेश मैं ये चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत मेरी ओर से हुई थी, पूर्णता विराम उधर से होना है, तो आप समय भी देख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक चक्र मेरी ओर से फ्री हो जाए, जो भी आप शंकर जी का सुनना चाहें तो मैं शंकर जी का सुना दूं, उधर से राष्ट्रीय गीत हो जाएगा, क्योंकि यकीन मानिए समय उतना ही हो जाएगा जितना आप लोग चाहते हैं। और दादा जी को भी दूर जाना है, उनका कार्यक्रम दूर लगा हुआ है, इनका टीका। अरे तो हम अकेले क्या करेंगे, जब वही चले जाएंगे तो जवाब ही किससे करेंगे। और मेरा भी कार्यक्रम है, इसलिए अगर आप सभी का आदेश है तो मैं अपनी ओर से फ्री कर रही हूँ यहीं पे, ठीक है दादा। अगर आपका आदेश है तो मैं कमेटी से तालियां चाहूंगी, अपनी तालियों के माध्यम से आप लोग आदेशित करें। हम लोगों को बहुत दूर जाना है। देखिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा आप लोग कहे क्या रहे हैं, समय भी हो चुका है। अगर शंकर जी का गाना सुनना है तो मैं शंकर जी का गाना सुना दूं, सुना दें। चलिए आइए, अपनी ओर से अंतिम चक्र है, आदेश हो रहा है वहां से हमारे अध्यक्ष जी का, प्रबंधक साहब जी का, कि एक शंकर जी का गीत हो जाए। दादाजी जो आदेश हुआ है उसी का पालन कर रही हूँ। पदम भैया, जो आदेश किया गया है। और ये मेरा अंतिम चक्र होगा, उधर से पूर्णता विराम होना है। कि वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगी, असेंद्रा से आप आए हैं, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है बड़े भैया को। आपका नाम ही भोलेनाथ पर है, उनका आशीर्वाद तो आप पर है। सुनिए मुन्नू भैया, मंच पा जो भले पैसा ना दे तो कहना।
मुन्नू भैया आओ, तुम पैसा ला दो आओ। आज जवाब ही नहीं हो रही जो आप उधर बैठे आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आओ तुम पैसा या को ना दे आओ, आ जाओ सचदेवा से बताएंगे नहीं कि आप आए थे। अरे डम 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 डमरू बाजे, और हमारे बीच में बहुत अच्छे कलाकार जिनकी फाइट हमसे हमेशा होती रहती है। छोटे भाई सचदेवा शरारती जी, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी छोटे भाई के सम्मान में, जो स्वयं में बहुत अच्छे कलाकार हैं और जिनका नाम आजकल बच्चे बच्चे की जुबान पर है, बूढ़े और लड़कियां तो लेती हैं। सुनिए, धन्यवाद है आप यहाँ पर हैं उसके लिए धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां हमारे छोटे भाई के लिए। बिल्कुल बगल में ही जवाबी अभी चल रही थी हमारे छोटे भैया दुर्गेश नंदनी से, सचदेवा शरारती और दुर्गेश नंदनी जी की। देखिए उधर वाले कार्यक्रम करके इधर सुन रहे हैं, आप लोग विचार करिए, हम लोग अभी भी गा रहे हैं। और जय भीर बाबा मेला कमेटी की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है। हमारे सचदेवा की ओर से सुंदर सा पुष्पमाल अनगिनत आशीर्वाद सबके लिए हमारे लिए आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए फरमाइश की गई है, मैं सुना रही हूँ उसको, सुनिएगा। इनको छोटे भैया इनका माला दो, पैसा ना दो, इनको माला ज्यादा पहनाओ क्योंकि इनको अभी तक मादा मिली नहीं है। कहना वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं ना जी सकूंगा, और मेरे बोले तेरे जैसे मैं जहर ना पी सकूंगा, छम 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 गौरा नाचे, डम 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 रू बाजे, छम 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 गौरा नाचे, तो यार मिला दे मुझसे मेरे यार को बना ले वो प्यार फिर जगा, तो भोले मानिए। आजकल हल हल हर कलाकार की जुबान पर बस साहू साउंड सर्विस का नाम आता है। एक बार हमारे राजेश भैया के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आपकी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है इस सम्मान के लिए, सुंदर सा पुष्पमाल साथ में अनगिनत आशीर्वाद आपने दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए भगवान देखिए हो क्या रहा है। माता पार्वती ने तप किया भोलेनाथ को पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेने चले गए तो हुआ क्या? क्या कमेटी से फिर एक बार निवेदन कर रही हूँ, प्लीज सुनिएगा। भवानी की तपस्या शुरू हो गई, अब भोलेनाथ चले गए परीक्षा लेने के लिए, कहना पड़ा क्या के लेने लगे परीक्षा।
अरे भैया आदित्य शर्मा जी के माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे साथ जो नाल पर संगत कर रहे हैं छोटे भाई अनुज के लिए आपने दिया है, हृदय से धन्यवाद है। बाकी जो जमा है थोड़ी देर में आप ले लीजिए। कहना कहना चले गए भवानी के पास तो ले लगे परीक्षा शिवा की शिव संहारक। और परीक्षा कैसे ली? कैसे जी? शिव जी ही बने मगर है, एक रूप से मगरमच्छ बन गए भोलेनाथ। शिव जी ही बने मगर थे, शिव जी ही बने बालक। एक रूप से भोलेनाथ मगरमच्छ बन गए और एक रूप से छोटा सा बालक बन गए। तो किया क्या कि उस बालक को पकड़ लिया है, यानी स्वयं भोलेनाथ अपने आप को पकड़ रहे हैं। तो उस बालक को पकड़ लिया है, दाम में अपने जकड़ लिया है। तो खेल का शिव शंकर का, अरे खेल का शिव शंकर का वहां पर, अरे एक रूप लिया नर का। अगर लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। एक रूप लिया नर का, एक रूप जानवर का। भगवान एक रूप से नर है, नर में, और एक रूप में जानवर है, और है भोलेनाथ ही। इसलिए तो एक रूप लिया नर का, एक रूप जानवर का। एक रूप लिया नर का, एक रूप जानवर का। एक रूप लिया नर का, एक रूप जानवर का। सुने और क्या मिला? जब करने चले हैं दर्शन, भगवान राम के दर्शन करने के लिए चल पड़े। तो हुआ क्या? क्या कि जब करने चले दर्शन श्री राम का त्रिपुरारी, तो हुआ क्या? क्या एक रूप में है वानर, एक रूप में मदारी। स्वयं नचाने वाले मदारी बन गए। तो कहना पड़ा क्या? अरे हर को देख हरी हर साए और एक दूजे के दर्शन पाए, तो हर को देख हरी हर साए एक दूजे के दर्शन पाए, मन बोलिया मन हर का। वहां भी एक रूप लिया नर का, एक रूप जानवर का। एक रूप लिया नर का, एक रूप जानवर का। एक रूप लिया नर का, एक रूप जानवर का।
का विराम हो जाएगा। और ये भैया हमारे लक्ष्मी ट्रेडर्स सहगो या सुनील कुमार जी की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है। और हमारे भैया की ओर से हमारे छोटू के लिए निकेतन आशीर्वाद आपने दिए हैं, धन्यवाद है। सुनिएगा कहना क्या के अर्जुन की परीक्षा अर्जुन की परीक्षा भगवान बोले शंकर और भोलेनाथ ने किया क्या क्या एक रूप भी लिखा था एक रूप लिया शंकर भक्त से भगवान बिगड़ गए और एक दूजे से ऐसे झगड़ गए तो भक्त से भगवान बिगड़ गए एक दूजे से वो तो झगड़ गए काम था शिवर का वहां भी एक रूप लिया लड़का एक रूप जानवर का एक रूप लिया एक रूप जानवर का एक रूप जानवर का एक रूप जानवर का एकदम से दे दो काहे बार बार जेब में हाथ डाल ले हम भी एकदम से बोल दें दुराद आए वैसे कहाँ गए अच्छा एक स्पेशल दे रहे तुमको भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं चाहूंगी मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग मेरे साथ गाएंगे दादा आपको हाथ खोल लो क्योंकि पूर्णता विराम उधर से हो रहा है मेरे साथ गाएंगे अरे सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए लग रहा है जैसे पड़ोसियों के घर में पापड़ तले जा रहे हैं ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग भौरेश्वर में हैं और क्या जो भक्त यहाँ बैठे उन भोलेनाथ की कसम दे रही हूँ आप सभी को जिनको भोले बाबा ने हाथ दिए जोरदार तालियों के साथ गाइए और क्या वो पड़ी ना खजवाओ दादा हाथ उठा लो अरे सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए अरे सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ किशोरी कुछ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए अरे दादा ले हम राधे राधे कह रहे वो अरे राधे राधे ये राधे राधे अरे राधे राधे लट्टू चले आए बिहारी राधे राधे लट्टू चले आए बिहारी राधे राधे लट्टू चले आए बिहारी आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी भागे आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी तो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ किशोरी कुछ किशोरी कुछ ऐसा
हाथ जमो राधा नाम हो जाए इंतजाम हो बोलिए सच्चे दरबार की जय बोलिए भोलेश्वर महादेव की जय और यहीं से अपनी ओर से मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने आदरणीय दादाजी से और जितने लोग बैठे हैं उनसे और कमेटी से यही कह रही हूँ कि रात भर में जो आपकी छोटी बहन या बच्ची से कोई भी त्रुटि हो गई हो उसे आप सभी लोग अपना सबके क्षमा करेंगे कमेटी से कहना है क्षमा करेंगे और जब फिर याद करेंगे तो थोड़ा और जमा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद है बोली शंकर भगवान की बोली सच्चे दरबार की आइए